हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आर के साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता एंड यू आर वाचिंग द यूट्यूब चैनल ऑफ आर के साइंस क्लासेस। दोस्तों, हम ट्वेल्थ बायो एनसीईआरटी के लिए चैप्टर नंबर 5 जो मेंडल से संबंधित है या मेंडल के अनुवांशिकी या फिर वंशगति और विभिन्नता के जो सिद्धांत हैं उस चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने बात की थी मेंडल के बारे में। मेंडल की दो चार परिभाषाएं जो थी, जैसे आनुवंशिक लक्षण क्या है, आनुवंशिकता क्या है, अनुवंशिकी क्या है, इनके बारे में चर्चा की थी। साथ में हमने मेंडल के जीवन परिचय की बात की। फिर हमने देखा कि मेंडल से पहले किन किन वैज्ञानिकों ने अनुवंशिकता पर या वंशगति पर काम करने की कोशिश की। इसके बाद हमने देखा पिछले लेक्चर में कि मेंडल ने कौन कौन से मटर के जो पौधे के लक्षणों को अपने प्रयोग के लिए चुना। आज हम जिस हेडिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है मेंडल की सफलता के कारण, कि मेंडल अपने प्रयोगों में सफल हुआ। अब कैसे हुआ उसके बारे में वीडियो में हम जानने वाले हैं। इससे पहले ये जानना जरूरी है कि इससे पहले वाले जो वैज्ञानिक थे वो फेल क्यों हुए थे। तो उसमें हमने देखा था सबसे पहले कि उनमें पहली बात देखें तो हमने उनमें पेशेंस नहीं था, यानी कि उनमें सहन शक्ति नहीं थी। हमें वो चाहते थे कि हमें तुरंत रिजल्ट मिले। कोई भी एक्सपेरिमेंट के लिए तुरंत रिजल्ट मिलना असंभव है। तो पहला रीज़न क्या था? सहन शक्ति का अभाव। इससे पहले वाले वैज्ञानिक में जैसे कॉल रूटर था, नॉडिन था, गार्टनर था, इन तीनों ने एक्सपेरिमेंट किया था मेंडल से पहले, पर ये तीनों असफल हुए। इसके बाद दूसरा कि इन्होंने अपने प्रयोगों के लिए हर एक पौधे को जनक के रूप में माना था, जबकि मेंडल ने ऐसा नहीं किया, आगे चर्चा करेंगे। तीसरा कि जो तीनों वैज्ञानिक थे उन्होंने सही प्रकार से रिकॉर्ड नहीं रखा था, और मेंडल ये बात जानते थे कि मेरे से पहले जिन्होंने वैज्ञानिकों ने आनुवंशिकता पर अध्ययन किया है उन्होंने अपना लेखा जोखा यानी कि रिकॉर्ड सही से नहीं रखा है। तो मेंडल को ये पता चल चुका था कि मुझे अपना रिकॉर्ड सही ढंग से रखना होगा। तो यहीं से हम बात करते हैं आज की कि मेंडल की सफलता के रीज़न क्या थे, मेंडल की सफलता के क्या कारण थे, मेंडल क्यों अपने प्रयोगों में सफल हुआ। तो सबसे पहली बात हम देखते हैं कि मेंडल ने अपने निष्कर्षों का सही लेखा रखा। ये सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता थी कि मेंडल सफल क्यों हुए अपने प्रयोगों में, क्योंकि मेंडल अपने रिकॉर्ड सही तरीके से रखते थे। मेंडल ने जो भी एक्सपेरिमेंट किए उनका रिकॉर्ड सही ढंग से रखा था मेंडल ने। दूसरी बात, मेंडल ने या इन्होंने क्या किया, जो लेखा जोखा रखे थे उनमें गणितीय सिद्धांतों का यूज किया। तो मेंडल ने किसका गणितीय सिद्धांत तो का प्रयोग किया, यानी कि ये थोड़ा बहुत मैथ्स जानते थे, थोड़ा बहुत क्या अच्छी मैथ्स जानते थे, और उस मैथ्स का यूज पहली बार साइंस में किया। हालांकि इस चीज़ के लिए इसके जो वैज्ञानिक थे साथी वो इससे नाखुश थे कि ऐसे कैसे कर सकते हैं, हम किसी बायोलॉजी की ब्रांच में हैं, हम मैथ्स का यूज कैसे कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने किसका गणितीय सिद्धांतों का यूज किया था। तीसरी बात हम करते हैं, तो तीसरी बात हमें पता चलता है कि मेंडल ने 7 क्या लिए, विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन करना, 7 विपर्यासी लक्षण, या फिर ऐसे बात करें कि मेंडल ने स्पष्ट दिखाई देने वाले 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया। मेंडल ने कितने जोड़ी? 7 जोड़ी। इसके बाद मेंडल ने अपने प्रयोग F2 और F3 पीढ़ियों तक ही करवाए थे। मेंडल ने अपने जो संग्रहण के प्रयोग थे वो F2 और F3 पीढ़ियों तक भी करवाए थे। बड़ी क्लास में थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल कितना याद रखना है हमें, F2 और F3 पीढ़ियों तक, यानी कि मेंडल के सफलता के रीजन पढ़ रहे हैं। मेंडल ने क्या किया, सबसे पहला सही प्रकार से रिकॉर्ड रखा। भाई जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका हमने अगर सही प्रकार से रिकॉर्ड रखा है तो बस सक्सेसफुल होने के चांस ज़्यादा होते हैं। फिर मेंडल ने गणितीय सिद्धांतों का प्रयोग किया। तीसरा, 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चुनना, ये बहुत बड़ा रीजन था मेंडल के सफल होने के लिए। और मेंडल ने अपने प्रयोग कितनी पीढ़ियों तक किए, F2 और F3 पीढ़ियों तक किए थे। इसके बाद ये अपने प्रयोगों की शुद्धता को जांचने के लिए, प्रयोगों के जो परिणाम है वो सही हैं इसको जांचने के लिए परीक्षण संकरण कराया करते थे, जिसे अंग्रेजी में टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। टेस्ट क्रॉस, आगे अगले लेक्चर में हम इनके बारे में बात करेंगे। टेस्ट क्रॉस करवाते थे अपने परीक्षणों का पता लगाने के लिए कि ये जो मैंने प्रैक्टिकल किया है, ये संकरण मैंने जो करवाया है, ये क्रॉस जो करवाया है वो सही है या नहीं, इसके लिए मेंडल टेस्ट क्रॉस करवाया करते थे।
इसके बाद अगला जो इनकी सफलता का रीजन बना उसमें सबसे पहले है क्या है कि इन्होंने क्या किया, समयुग्मजी पौधों को जनक के रूप में चुना। समयुग्मजी पौधों को जनक के रूप में चुना। समयुग्मजी पौधे क्या होते हैं, जैसे समयुग्मजी का मतलब है दोनों एलील समान हों, दोनों एलील्स समान हों, तो इनको कहते हैं समयुग्मजी पौधे। यानी किसी भी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जो जीन होंगे उनके दोनों एलील अगर समान हैं, दोनों एलील अगर समान हैं, तो इन पौधों को कहते हैं समयुग्मजी पौधे। अगर ट्वेल्थ वाले बच्चे जानते हैं समयुग्मजी क्या है, लेकिन अगर टेंथ वाले बच्चे देख रहे हैं तो उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन उससे कह दूं कि भाई जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते चलोगे धीरे धीरे चीज़ें समझ में आती रहेंगी, तो बीच में ना छोड़ें वीडियो को, समझने की थोड़ी थोड़ी कोशिश करें, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वीडियो में समझ में आता चलेगा। तो समयुग्मजी पौधों को जनक के रूप में चुनना ये भी इनकी सफलता का बहुत बड़ा रीजन था। परीक्षण संग्रहण यानी टेस्ट क्रॉस कराया करती थी, एफ टू और एफ थ्री वीडियो तक अपने जो संग्रहण प्रयोग थे उनका अध्ययन किया था। साथ जुड़ी स्पष्ट विपर्यास लक्षणों का चुनाव भी बहुत बड़ा रीजन था। और सबसे बड़ा रीजन क्या था, मेंडल की किस्मत अच्छी थी। किस्मत कैसे अच्छी थी कि ये सहलग्नता से बच गई थी, सहलग्नता से बच गई। जो मेंडल ने अपने प्रयोग किए उनमें सबसे बड़ी विशेषता थी ये इनकी किस्मत थी कि ये लिंकेज जैसी प्रॉब्लम, लिंकेज सहलग्नता जैसी प्रॉब्लम से बच गई थी। सहलग्नता क्या है, एक ही जीन पर या एक ही जीन पर अलग अलग लक्षणों के जीन बैठे होते हैं, सॉरी जीन पर नहीं, एक ही गुणसूत्र पर, एक ही गुणसूत्र पर अलग अलग लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन अगर बैठे होते हैं तो इसको कहते हैं सहलग्नता। लिंकेज यानी साथ साथ लगे रहना, दो लक्षणों को नियंत्रित करने वाले जीन अगर एक साथ बैठे हुए हैं तो उसको कहते हैं लिंकेज, सहलग्नता। तो इस प्रॉब्लम से बच गए थे इसलिए ये सक्सेसफुल होने के चांस बढ़ गए थे। हालांकि सहलग्नता के बारे में भी अपन डिटेल से आगे चैप्टर्स में या आगे के लेक्चर्स में बात करेंगे। तो ये थे हमारी मेंडल की सफलता के कारण, एक बार स्क्रीनशॉट लें। चलिए अब हम चलते हैं मेंडल की सफलता के कारण के बाद मेंडल की संकरण तकनीक, मेंडल की संकरण तकनीक कि मेंडल किस प्रकार काम किया करते थे। तो हेडिंग है अपनी मेंडल की संकरण तकनीक। इसमें कुछ भी नहीं, हमें दो परिभाषाएं याद करनी है। कितनी परिभाषाएं, दो परिभाषाएं याद करनी है। एक तो है सबसे पहले विपुंसन, सबसे पहले विपुंसन, इसको इमस्कुलेशन कहते हैं अंग्रेजी में। इसको क्या कहते हैं, इमस्कुलेशन कहते हैं। क्या है विपुंसन, देखिए जब फूल होता है, जब वो खिलता है, फूल खिलने से पहले कली अवस्था में होता है, तो पुष्प कैसी अवस्था में है, अभी पुष्प अभी है कली की अवस्था में, पुष्प कली की अवस्था में। इस कली की अवस्था में मान लीजिए हमारा कोई पुष्प है, इसमें जननांग अंदर की ओर लगे हुए हैं, इसमें जननांग अंदर की ओर लगे हुए हैं, लेकिन ये जो इसके दल हैं वो इस पुष्प को पूरी तरह से ढके हुए हैं। तो जब पुष्प कली अवस्था में होता है तो मेंडल क्या करता था, इन दलों को खोलता था, और दलों को खोलने के बाद उसके सामने क्या दिखाई देते थे, नर जननांग और मादा जननांग दोनों दिखाई देते थे। अब वो दोनों में से क्या करता था, इस पुंकेसर को यहाँ से कैंची की सहायता से काट देता था, कैंची की सहायता से इसको काट देता था और वापस इस पुष्प को वापस पैक कर देता था। यानी कि दल जैसे ही हटाए थे अब उनको वापस पहले जैसी कंडीशन में कर दिया है। तो इस कंडीशन को कहते हैं विपुंसन, इमस्कुलेशन, मतलब पुष्प की कलिका अवस्था में, पुष्प की कलिका अवस्था में पुंकेसरों को काटकर हटाना। पुष्प की कलिका अवस्था में इसको खोल के क्या करेगा, पुंकेसरों को काटकर हटा देगा। इस क्रिया को कहते हैं विपुंसन या इमस्कुलेशन। ये तो हो गई हमारी सबसे पहली परिभाषा। अच्छा एक क्वेश्चन है यहां पर कि विपुंसीकृत पुष्प या इमस्कुलेटेड जो फ्लावर होगा वो तो कौन से जननांगों को धारण करने वाला होगा। यानी कि जो हमने पुष्प लिया है, जो कलिका लिया है उसको खोला, तो अब इसमें से हमने क्या कर दी, इमस्कुलेशन यानी कि विपुंसन की क्रिया कर दी, तो अब ये पुष्प कैसे जननांग युक्त है, तो इसमें केवल कौन से जननांग रहेंगे, अब इसमें केवल मादा जननांग रहेंगे। कौन से जननांग रहेंगे, मादा जननांग रहेंगे। यानी कि ये पुष्प अब किसके रूप में काम करेगा, एक मादा जनक के रूप में काम करेगा।
इमस्कुलेशन के द्वारा जो फ्लावर हमें जो फूल प्राप्त होगा, जो पुष्प प्राप्त होगा, वो एक मादा जनन के रूप में काम करेगा। तो ये सबसे पहली परिभाषा तो थी विपुंसन। विपुंसन क्या है? पुष्प की कलिका अवस्था में पुष्प को खोला जाएगा या कलिका अवस्था को खोलकर उसमें से पुंकेश्वरों को काटकर हटाना, इस क्रिया को कहते हैं विपुंसन। और दूसरी परिभाषा हमें याद करनी है बोरा वस्त्रीकरण। बोरा वस्त्रीकरण इसको कहते हैं वैगिंग। बोरा वस्त्रीकरण वैगिंग। अब मेंडल क्या करता था कि ये जो पुष्प है इस पुष्प को कलिका अवस्था में खोला, पुंकेश्वरों को काटकर हटाया और इसके ऊपर क्या करते थे मेंडल, इसके ऊपर एक थैली चढ़ा दिया करते थे। ऐसे ये एक थैली चढ़ा दी इन्होंने। क्या चढ़ा दी? एक थैली। क्यों चढ़ाई उसके बारे में बात करते हैं। तो पुष्प के चारों ओर थैली बांधना, पुष्प के चारों ओर थैली बांधना क्या कहलाता है? बैगिंग कहलाता है। पुष्प के चारों ओर थैली बांधना बोरा वस्त्रीकरण, वैसे नाम से पता चल रहा है, बोरा वस्त्र पहनाना, बोरी या वस्त्र पहनाना क्या कहलाएगा? बैगिंग कहलाएगा। क्यों पहनाया? तो देखिए अभी हमने बात करी, इससे पहले हमने बात की पिछले लेक्चर में कि मटर के पौधों में स्वपरागण पाया जाता है, यानी कि इसके परागकण परिपक्व होने के बाद इसकी वर्तिकाग्र पर गिरते हैं क्योंकि स्वपरागण पाया जाता है। लेकिन हमने ये भी पढ़ा कि मेंडल की संकरण तकनीक क्या है, इसमें हम देख रहे हैं कि ये परपरागण भी करवाती थी। तो अब इसका ये क्या करवाना चाहती थी? परपरागण, यानी कि इसको मादा जनक के रूप में लिया है तो दूसरा फूल होगा, दूसरा पुष्प होगा, उसको नरजनक के रूप में काम मिलेंगे और उस नरजनक से क्या लेंगे, ये पुंकेश्वर लेंगे और उन पुंकेश्वरों को यहाँ पर गिराएंगे। तो सबसे पहली बात विपुंसन क्यों किया? क्योंकि इसको मादा जनक के रूप में लेना है, मादा जनक के रूप में लेना है तो इसमें मादा जननांग होनी चाहिए, नर जननांग को काटकर हटा दिया, काटकर हटाने की क्रिया को हमने कहा विपुंसन। और दूसरे पुष्प के अब जनक के रूप में जिसको लेना चाह रहे हैं उसी के परागकण इस पर गिरने चाहिए तब ये क्रॉस की क्रिया सक्सेसफुल होगी। लेकिन अगर इसको नहीं ढकते तो जैसे ही फूल गिरता तो पता नहीं किस पुष्प के परागकण यहाँ पर आकर गिर सकती थी। तो इस परागण को या अवांछित अवांछित पर परागण को रोकने के लिए बैगिंग करती थी। बैगिंग करती थी क्यों करती थी बैगिंग? ताकि अवांछित जो परागण है, जो अवांछित परागकण है वो इस पुष्प पर न गिर सकें, क्योंकि ये क्या करवाना चाह रहे हैं, उस पुष्प को नरजननांग के रूप में या नरजनक के रूप में और इस पुष्प को मादा जनक के रूप में प्रयोग में करना चाह रहे हैं। तो उसी पुष्प के परागकण इस पर लाकर पटकती थी। ये तीसरा पॉइंट आएगा इसमें, किसमें? संकरण तकनीक में। ये केवल उसी पुष्प के परागकणों को लाकर इस पुष्प पर पटकती थी या गिराती थी जिसको ये नरजनक के रूप में ले रहे हैं। यानी कि यहाँ पर दूसरा फ्लावर होगा, इसमें केवल कौन होंगे? इसमें पुंकेश्वर होंगे केवल। इसमें कौन होंगे? केवल पुंकेश्वर। इसमें कौन नहीं होगा? इसमें मादा जननांग यानी कि जायांग नहीं होगा। तो इसके परागकणों को ये यहाँ पर लाकर पटकती थी। इस क्रिया को ही क्या कहते हैं? इसको ही कहते हैं हम कृत्रिम परागण की क्रिया। इसको कहते हैं हम कृत्रिम परागण की क्रिया। तो मेंडल क्या करते थे? सबसे पहले पुंकेश्वरों को काटकर हटा देती थी, जिस क्रिया को हम विपुंसन कहते हैं। और दूसरा इस पुष्प के चारों तरफ क्या लगा देती थी? बैग लगा दिया करती थी, जिसको हम बैगिंग या बोरा वस्त्रीकरण कहते हैं। क्यों करती थी? अवांछित परपरागण को रोकने के लिए, यानी कोई सा भी परागकण इस पर आकर ना गिरे, केवल वही गिरे जो वो मेंडल चाहते थे। ये हो गई दोनों परिभाषाएं सबसे इंपॉर्टेंट जो थी। इसके बाद क्या करती थी? एक और पॉइंट है इसमें कि मेंडल जो थी वो F1 पीढ़ी जैसे ही प्राप्त होती थी तो F1 पीढ़ी के पादपों में स्वपरागण होने देती थी। मेंडल क्या करती थी? F1 पीढ़ी में जो भी प्लांट प्राप्त होंगे, F1 पीढ़ी में जो भी प्लांट प्राप्त होंगे या जो भी बीज होंगे उनको उगा करके जो पौधे बनेंगे उनमें, जैसे इसको और इसको मिलाने पर F1 पीढ़ी प्राप्त होगी, इसका इसका संकरण करवाएंगे तो F1 पीढ़ी प्राप्त होगी। और उस F1 पीढ़ी से जो प्राप्त बीज होंगे उनको उगाया, F1 पीढ़ी के जो बीज प्राप्त होंगे उनको उगाने पर तो नए पौधे बनेंगे। उन पौधों में ये क्या होने देती थी? स्वपरागण। यहाँ पर क्या करवाते हैं? परपरागण कराते हैं। लेकिन जैसे ही F1 पीढ़ी प्राप्त होती है तो उन पौधों में क्या करवाती थी? ये स्वपरागण होने देते थे, जिससे क्या प्राप्त होती थी? जिससे F2 पीढ़ी प्राप्त होती थी, जिससे क्या प्राप्त होती थी? F2 पीढ़ी प्राप्त होती थी। तो ये तो थी मेंडल की संकरण तकनीक। इससे पहले हमने पढ़ा है क्या? मेंडल की सफलता के रीजन। तो आज की वीडियो में अभी तक की दो हेडिंग कंप्लीट हो चुकी हैं। एक तो सबसे पहली हेडिंग क्या थी? मेंडल की सफलता के कारण, उसमें हमने 6-7 पॉइंटों की चर्चा की है। और ये थी आज हमारी दूसरी हेडिंग, मेंडल की संकरण तकनीक, विपुंसन किसे कहते हैं और बोरा वस्त्रीकरण यानी बैगिंग किसे कहते हैं, इमस्कुलेशन एंड बैगिंग। ये दोनों ही जो हेडिंग हैं
दोनों ही जो टॉपिक थे ये दोनों ही टॉपिक पेपर के दृष्टि से, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनमें हर साल या एक साल छोड़ के हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है ट्वेल्थ बायो में, तो याद रखना है इसको। विपुंसन क्या है और बैगिंग क्या है? विपुंसन तो क्या है, पुष्प की कली का अवस्था में उसे खोलकर उसके परागकण सॉरी पुंकेशनों को काटकर नष्ट करना, पुंकेशनों को काटकर हटाना, इस क्रिया को कहते हैं इमस्कुलेशन या विपुंसन, यानी पुष्प की कली का अवस्था में पुंकेशनों को काटकर हटाना क्या कहलाता है? इमस्कुलेशन कहलाता है। और दूसरी एडिंग क्या है? बोरा वस्त्रीकरण। जिस पुष्प को हमने क्या किया है, इमस्कुलेटेड किया है, उसके चारों ओर ये क्या करती थी, थैली बांध दिया करती थी, और थैली बांधने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, बोरा वस्त्रीकरण या बैगिंग कहते थे। क्यों बांधते हैं थैली? ताकि अवांछित परपरागण को रोका जा सके। तीसरा पॉइंट क्या था कि एफ टू पीढ़ी के जो भी प्राप्त होते थे हमें पादप, उनमें स्वपरागण होने दिया करते थे। पहले प्रयोग के लिए एफ वन पीढ़ी प्राप्त करने के लिए ये परपरागण कराते थे, और एफ टू पीढ़ी प्राप्त करने के लिए स्वपरागण कहते, एफ वन के लिए परपरागण और एफ टू पीढ़ी के लिए स्वपरागण होने दिया करते थे। तो ये तो थी छोटा सा लेक्चर है आज का। अब अगला लेक्चर जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि उस लेक्चर में हम सारी परिभाषाओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। 10-15 जो परिभाषाएं हैं, डेफिनेशंस हैं, जैसे एक संकर संकरण प्रयोग क्या है, एलील्स क्या है, जीनोटाइप फिनोटाइप, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं अगले लेक्चर में, जिसकी चर्चा करेंगे हम कल की वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। घर पर रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें, हाथ धोते रहें, मास्क का प्रयोग करें।